हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको बताऊंगी LIC HFL के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे, सर्च करते हैं फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है LIC HFL रिक्रूटमेंट। इसमें आपको किस किस चीज़ के बारे में पता चलेंगे, तो यहाँ पे लिखा है नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी, इन सब के बारे में आज आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट है। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आप इस प्लेस पर पहुँच जाएंगे, जैसे कि हाइलाइट्स, डेट्स, वैकेंसी, एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, सेंटर, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, बुक्स, रिजल्ट, कट ऑफ, सेलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ। आपको इसमें किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। वॉट डज LIC HFL स्टैंड फॉर्म, इसमें LIC HFL के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया हुआ है, जैसे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको किसने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, उसके बारे में। फिर यहाँ पे हाइलाइट्स, उसके हाइलाइट्स जैसे कि एग्ज़ाम का नेम क्या है, कितना टाइम मिलता है एग्ज़ाम कंप्लीट करने में, कितने फेजेस हैं उसके, किस टाइप का एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन, किस तरह से उससे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कौन सा स्टेज है, नेशनल स्टेज है इसका, कंडक्टर ऑफ एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करता है, कितने मार्क्स का रहता है, इसका यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट भी है, फिर प्लेसमेंट कहाँ पर होता है, तो एग्ज़ाम इंडिया में होता है। एग्ज़ाम डेट्स मतलब अलग अलग डेट्स होते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म का होता है, एप्लीकेशन फ़ीस का होता है, रिजल्ट का होता है, एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम होता है, प्रीलियम एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू का डेट होता है, उन सबका डेट्स होते हैं। और जब इन सबका किसी भी चीज़ का डेट रिलीज होगा तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे भी वही नोटिफिकेशन है कि अगर किसी भी चीज़ का डेट निकलेगा तो फिर आपको पता चल जाएगा। फिर वैकेंसीज, अलग अलग पोस्ट के अलग अलग वैकेंसीज होते हैं, इसमें 3 टाइप्स के पोस्ट होते हैं, जैसे असिस्टेंट मैनेजर, एसोसिएट्स एंड असिस्टेंट। तो फिर जैसे 2019 में थे 100 थे असिस्टेंट मैनेजर के, एंड 18 में भी 100 थे, 17 में भी 100 थे, तो फिर इन तीनों में सेम थे असिस्टेंट मैनेजर। एंड एसोसिएट्स में 19 में 75 थे, 18 में 50 थे एंड 17 में नहीं थे। फिर यही 19 में असिस्टेंट्स थे 125, इसमें 18 में थे 150 एंड 17 में 164। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, एज लिमिट एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड नेशनलिटी, कौन से नेशनल से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप नेशनल एज लिमिट आपको पता करना है तो अगर आप 23 ईयर्स टू 30 ईयर्स के अंडर में हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इससे बाहर हैं तो फिर नहीं कर सकता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अलग अलग पोस्ट के अलग अलग स्टडीज़ होते हैं, मतलब अगर आप उतना पढ़े हैं उस पोस्ट के लिए तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल करना है, कैसे फिल करना है, कौन सी वेबसाइट से फिल करना है, ऑनलाइन फिल करना है, ऑफलाइन फिल करना है, उन सब के बारे में आपको दिया गया है। फिर यहाँ पे दिया गया है कि आपको कितने साइज़ के फ़ोटोज़ लगाने इसमें, और कितने साइज़ का आपको साइन करना है, आपको उसके अंडर ही साइन करना है, उससे ज़्यादा बाहर नहीं करना है साइन। एप्लीकेशन फ़ीस, अलग अलग पोस्ट के अलग अलग फीस भी होती हैं, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर के अलग होते हैं, एसोसिएट्स के अलग होते हैं, असिस्टेंट्स के अलग होते हैं। फिर यहाँ पे एडमिट कार्ड का इम्पोर्टेंस क्या है, इसको कब, ये एडमिट कार्ड आपको कब मिलेगा, और इसका यूजेस क्या है, आपको इसमें कैसे फिल करना है, इसमें क्या क्या आपको फिल करना रहता है, जैसे नेम ऑफ द एप्लीकेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कैंडिडेट्स, डेट ऑफ बर्थ, डेट एंड टाइम, पोस्टिंग इंस्ट्रक्शन, जेंडर, इंफॉर्मेशन ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, कोड ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। फिर देयर इज़ अ ब्लैक स्पेस फॉर द इनविजिलेटर टू द शाइन, फिर एप्लीकेंट्स टू द
टू साइन देयर इज अ ब्लैक स्पेस, फिर गाइडलाइंस इन जनरल, इसमें गाइडलाइंस भी होते हैं, फिर एग्ज़ाम सेंटर, आपको सेंटर कहाँ कहाँ जा सकता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम सिटीज़ एंड यहाँ पे इंडियन स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज जैसे बिहार, गोवा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, असम, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल, इन सब प्लेसेस पे आपका सेंटर जा सकता है। फिर एग्ज़ाम पैटर्न, आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे, कितना आपको टाइम मिलेगा, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया है। जैसे कि मेथड ऑफ एग्ज़ामिनेशन, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा। फिर कितना टाइम मिलेगा आपको, 2 आवर्स, कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का, कितने क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, कौन सा लैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश, मार्किंग स्कीम, यहाँ पे 0.25 है इज एप्लीकेबल फॉर ईच रॉन्ग आंसर, 1 मार्क्स विल बी गिवन फॉर ईच करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द एलएसए, किस तरह आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट रहता है, पूरा 100 मार्क्स, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स एंड आपको 15 मिनट्स मिलेंगे, इंग्लिश के लिए 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 35 मिनट्स मिलेंगे। फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड का रहेगा 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स एंड 35 मिनट्स, फिर लॉजिकल रीजनिंग का रहेगा 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स एंड 35 मिनट्स, इस तरह से आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूट रहता है। फिर सिलेबस, आपको कौन कौन से सिलेबस पढ़नी है, कौन कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन सब के बारे में यहाँ पे है, जैसे न्यूमेरिकल, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस, इन सब के बारे में यहाँ पे पॉइंट्स दी गई हैं। आप अगर इतना सब पढ़ लेंगे तो फिर तो भी आप पास हो सकते हैं। फिर इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, इंग्लिश का अलग रहता है, मतलब आपको किस तरह से उसके लिए प्रिपेयर होना है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया है। फिर यहाँ पे इंग्लिश का दिया है, फिर क्वांटिटेटिव का दिया है, रीजनिंग एबिलिटी का दिया है, जनरल अवेयरनेस का दिया है, अदर सजेशन भी दिया है उसमें, और भी बहुत सारे सजेशंस दी गई। फिर रिकमेंडेड बुक्स, कौन कौन से आपको बुक्स पढ़नी है, उन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया, आप देख सकते हैं। फिर एग्ज़ाम रिजल्ट, रिजल्ट कब निकलेगा, कौन से वेबसाइट से निकलेगा और किस तरह आप उसमें क्या क्या फील करना है उसमें आपको, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया पूरा डिटेल्स में। उसके बाद इंफॉर्मेशन आपको कौन कौन से फिल करने रहती है, कट ऑफ, एग्ज़ाम के बाद जब मार्क्स आते हैं उसके बाद कट ऑफ्स भी आते हैं, तो फिर आपको कट ऑफ के बाद कितने मार्क्स मिलते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया। जैसे जनरल अवेयरनेस का 15 to 25 के बीच में आना चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग का भी 15 to 25, यहाँ पे सबका उतने के अंदर आना ही चाहिए। फिर यहाँ पे कट ऑफ रिजल्ट है, व्हाट हैपन आफ्टर द एलएसएचएफ एल कट ऑफ मार्क्स एंड रिजल्ट, उसके कट ऑफ के बाद क्या होता है उसके बारे में बताएगी, उसके बारे में बताएगी। सिलेक्शन प्रोसेस, आप किस तरह से इसके अंदर सेलेक्ट होंगे, उसका टाइप बताया गया, जैसे एग्ज़ामिन ऑन द इंटरनेट, किस तरह से आपको एग्ज़ाम ऑनलाइन भी आपका एग्ज़ाम होगा इंटरनेट के द्वारा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर एग्ज़ामिन योर हेल्थ, फिर हेल्थ के बारे में भी देखा पूछा जाएगा। फिर सैलरी एंड बेनिफिट्स, अलग अलग पोस्ट के अलग अलग सैलरीज भी रहेंगी, तो आप अलग अलग रहती हैं सैलरी, जैसे कि असिस्टेंट का अलग रहता है, एसोसिएट्स का अलग, फिर असिस्टेंट मैनेजर का अलग, लीगल असिस्टेंट मैनेजर का अलग, फिर प्रमोशन एंड ग्रोथ, आपको बाद में प्रमोशन भी हो सकता है अलग अलग पोस्ट में। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं फैक्ट्स के, आप इसको देख सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।